हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई स्टडी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय सेलिन। आज के इस लेक्चर में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश पटवारी के लिए, जो हम मैथ्स रीजनिंग की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और हमने कुछ लेक्चर से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर एक टॉपिक से भी क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 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 डिफरेंट तरीके से पेश किया। कैसे? क्योंकि जनरली एग्जाम में क्या होता है, पहले एवरेज का क्वेश्चन आ गया, फिर हिंदी आ गई, फिर इंग्लिश, मतलब बिल्कुल माइंड को आपको हर टॉपिक की तरह टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और एक और बात, हम यहाँ पे उन्हीं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिनको व्यापम पूछता ही पूछता है, क्योंकि आपका हर एग्जाम व्यापम क्या है, शिफ्ट में होने लगा है। तो शिफ्ट में क्या होता है कि टॉपिक से वही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जो थोड़े से टिपिकल होती हैं, थोड़े से इजी भी होती हैं, क्योंकि व्यापम का कॉन्सेप्ट इजी पूछता है लेकिन डिफरेंट पूछता है, सिंपल लेकिन अलग। तो हमने वही तरीका है, और एक्चुअली स्टूडेंट सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम कर देते हैं। तो टाइम को भी आपको देख के चलना है कि टाइम आपके एग्जाम में कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपने कॉन्सेप्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने यहाँ पर तीन क्वेश्चनों को लिया है, डिफरेंट टॉपिक से और डिफरेंट कॉन्सेप्ट से है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। अब यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो सिंपल एक सवाल लिया है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट से और भी सवाल आएगा आपके एग्जाम में, वो भी मैं बताऊंगा कि अगर इस तरीके से सवाल नहीं आता तो कैसे सवाल आएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। कि जाहिर सी बात है 11th 12th का तो का एग्जाम है नहीं कि वो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही रख दिया, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट देते हैं, कॉन्सेप्ट वही रखते हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 9 और 25, 9 और 25 के का मध्य अनुपाती क्या होता है। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है मध्य अनुपाती पूछा है, तो पहले तो हमें अनुपात पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम मध्य अनुपाती पता कर पाएंगे। तो पहले मध्य अनुपात क्या होता है, मैंने बताया था कि अनुपात होता है जैसे ए डिवाइड में अगर बी कर दें तो इस अनुपात होता है समान अनुपात। समान अनुपात क्या, दो अनुपातों को अगर हम बराबर कर देते हैं तो वो समान अनुपात बन जाता है। बस अनुपात समान अनुपात की यही थ्योरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दो अनुपात कैसे, जैसे एक अनुपात हो गया एबीसी, दूसरा अनुपात हमने ले लिया कि सी और डी है दूसरा अनुपात, तो इसको बोलते हैं समान अनुपात। सिंपल, ये अनुपात और दो अनुपात को अगर बराबर कर देते हैं तो समान अनुपात हो जाता है। अब इस चीज को, इस जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा है, इस सवाल से क्या संबंध है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, समान अनुपात में नंबर कितने होते हैं, दो होते हैं। समान अनुपात में कितने नंबर है, चार नंबर है। बस हमारा काम हो गया। देखो यहां पे पूछा क्या है, 9 और 25 का मध्य अनुपाती, मतलब 9 और 25 के बीच में एक नंबर है उसको पूछा है जो इसका मध्य अनुपाती है। तो जाहिर सी बात है यहां कितने नंबर होंगे, देखो एक तो 9 हो गया और दूसरा 25, तीसरा जो पूछा है, तो यहां पर पूछा है तीन नंबर। यहां पर जो अनुपात है समान अनुपात वो चार नंबर, तीन नंबर के लिए जो समान अनुपात होता है उसमें क्या होता है, जो सेकंड वाला जो नंबर होता है मतलब बीच वाला, वो कॉमन मतलब दो जगह यूज होता है, जैसे ए और बी, बी और सी, जब तीन नंबर आए तब समान अनुपात इस तरीके से होगा, जब चार नंबर यूज किए जाते हैं तब समान अनुपात इस तरीके से यूज होगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको तीन नंबर दे देगा और एक नंबर पूछेगा। अब यहां पर तो ओनली तीन नंबर है तो दो नंबर देगा, एक नंबर पूछ लेगा, तो यही कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ है। यहां पर दो नंबर दे दिए, कौन सा, 9 और 25 बीच वाला पूछा है। अब देखो
यहां पर नंबर कौन कौन से यूज हुए, ए बी सी, तो बीच वाला कौन सा है, बी वाला है, तो बी मध्यानुपाती हुआ। और यहां पे देखो इसको बोलते हैं प्रथम अनुपाती, इसको द्वितीय, यहां पर तृतीय, यहां पर चतुर्थ, यहां पर सिंपल तीन ही होते हैं, मध्य सॉरी प्रथम मध्यम और तृतीय। अब पूछा क्या है, मध्यानुपाती, सिंपल है। अब जो दिया है उसको रख दो, जो नहीं दिया है उस पर मान निकाल लेंगे। अब देखो प्रथम दिया है तृतीय दिया है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब प्रथम मतलब एक ही जगह क्या आएगा, नाइन आएगा। अब बी, बी तो मध्य है क्योंकि नंबर तीन ही है, ए वी और सी। अब ए और बी सी में मध्य कौन सा है, बी है, बी ही निकालना है, तो बी की जगह बी आ गया, और यहां पे भी बी की जगह बी आ गया, और सी की जगह 25। बस अब इसे सॉल्व कर देना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखो बी का जब बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी टू बी नहीं आएगा, काफी स्टूडेंट टू बी कर देते हैं, तो जब ऐड करते तब टू बी होगा, जब बी से बी का स्क्वायर करेंगे तब बी स्क्वायर, बी से बी का गुणा करेंगे तब बी स्क्वायर होगा, तो बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 25 का गुणा करेंगे हम 9 के साथ। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला भी जो आपने पढ़ा होगा, यहां से फॉर्मूला निकल गया मध्य अनुपाती, अगर आए तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, बी बराबर अंडर रूट में ए सी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही चीज याद रखिए कि ए बटे बी सी बटे डी, बस समान अनुपाती खत्म। यही चीज आपको अनुपात में, ए बटे बी दो कॉन्सेप्ट है, अनुपात समान अनुपात इन्हीं में खत्म हो जाता है, फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस जो वैल्यू पूछी हो उस पर मान रख दो। यहां पर अगर दो तीन वैल्यू दी हो तो ये यूज कर दो, दो वैल्यू को रिपीट कर दो, और चार वैल्यू दी हो तो तीन किन में से चारों को रख दो, किन एक को पूछेगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो अब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहां पर एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ सिंपल है, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हटाने के लिए जब एक तरफ स्क्वायर होता है दूसरी तरफ सिंपल होता है, तो इस पर स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाते हैं दूसरी तरफ। क्यों, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि लगा तो देते हैं काफी स्टूडेंट तो यही बात समझ नहीं पाते हैं। अब देखो अंडर रूट एक्चुअली में लगा दोनों तरफ था, अंडर रूट लगा दोनों तरफ था, लेकिन इधर अंडर रूट रह गया, यहां से अंडर रूट हट गया, क्यों, चलिए ये बात देखते हैं। देखो बी स्क्वायर पे अगर हमने अंडर रूट लगाया, बी स्क्वायर पे अंडर रूट लगाया, तो अंडर रूट का मतलब होता है क्या, 1/2, वो भी होल स्क्वायर में, तो क्या आ गया यहां से, देखो वी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर 1/2। तो घातांक करनी में आपने पढ़ा होगा कि अगर घात के ऊपर घात हो, मतलब दो के ऊपर, सॉरी ये बड़ा लिख देता हूं मैं, काफी दो के ऊपर अगर घात के ऊपर घात हो तो उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो b मल्टीप्लाई वाई टू। ठीक है, तो अब यहां दो से दो कैंसिल हो गया, इसीलिए यहां पे बचा क्या, सिर्फ b बचा। तो यहां पे जो अंडर रूट लगाया वो लगाया तो दोनों तरफ है, लेकिन यहां पे स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। कैसे, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा ओनली b। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 25 मैंने बोला था, 25 के आपको टेबल t1 से लेकर 30 तक टेबल, और 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 10 तक आपको घन, ये चीज आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि जो आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर ये चीज आपको याद होगी तो बहुत आसानी से कर दोगे, बहुत आसानी से। तो 25 जब आप करोगे तो 225, अगर आपको टेबल याद होगा तो। अब स्क्वायर, अब बात आ गई स्क्वायर की, अंडर रूट में से मान निकालना है तो ये किसका स्क्वायर होता है, वो याद होगा तो ये इस कितने का स्क्वायर होता है। अब यहां पे मैं स्क्वायर करना मत नहीं बताऊंगा कि
मतलब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सॉरी अंडर रूट से मान कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल आपको पता है कि 225 15 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो मध्य अनुपात हमारा निकल के आ गया, बी की वैल्यू निकल के आ गई 15। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और बस यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी थी, क्योंकि यहां पर देखो स्क्वायर दूसरी तरफ अंडर रूट तो लगा दिया, लेकिन यहां से स्क्वायर कहां गया। तो यहां से एक्चुअली हुआ क्या था कि दोनों तरफ अंडर रूट लगा था, लेकिन यहां से अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल हो गया, इसीलिए यहां पे बी बचा था, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर तीन वैल्यू आए तो, चार वैल्यू आए तो। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पिछले कुछ क्वेश्चनों से हमने परसेंटेज के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जिसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इन सब क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, उससे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी का नंबर का अगर परसेंटेज निकालना है, किसी में से निकालना है, जैसे हम 20 का परसेंटेज निकालना है 100 में से, कि 20 100 का कितना परसेंट है। तो 20 100 का कितना परसेंट है, हम जानते हैं 20% है, 100 का कोई भी परसेंट उतना ही परसेंट होता है। मैंने बताया था परसेंटेज और वैल्यू में दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप बोलो कि 5% और 5 दोनों इक्वल है, तो नो, बराबर नहीं है दोनों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सवाल की जो लैंग्वेज होती है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1.9 का कितने प्रतिशत 1.14 होगा। ध्यान से फिर से एक बार पढ़ता हूं, 1.9 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 होगा। अब कंफ्यूजन जो जहां होता है यहां पर, कि किसका किस में से निकालना है, कौन किसका परसेंट है। तो जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में किसका परसेंटेज पूछा है उसने। चलिए एक बार फिर से, 1.9 का मतलब इसका, किसका 1.9 का 1.04 कितने परसेंट है। बस हमारा काम हो गया, मतलब इसमें से हमें उसको निकालना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में कि जिसका परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हम रखते हैं ऊपर, जिसका परसेंटेज निकालना है इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। परसेंटेज निकालना है और जिस में से निकालना है, जिस में से निकालना है, मल्टीप्लाई वाई 100। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे तो वो वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो फ्रैक्शन से फिर से आपको परसेंटेज में चेंज करनी पड़ेगी। बस इस फॉर्मूले में मान रख देना, किसी का भी किस में से परसेंटेज निकालना हो जा। अब देखो सिंपल सी बात है, 1.9 में से 1.14 का परसेंटेज निकालना है। अब देखो किसका निकालना है, 1.14 का, और किस में से निकालना है, 1.19 में से। बस डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्या करना है हमें, पॉइंट, अब सिंपली सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहां से एक पॉइंट गया तो ऊपर एक जीरो आ गई, और यहां से पॉइंट गया तो नीचे दो जीरो आ गई। ये आप सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। अब देखो जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली ये 19 से इसको काट दो, आपको 19 की टेबल आती होगी, तो 19 से कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। अब 6 का मल्टीप्लाई करना है कितने से, 10 से, कितना आ गया 60%। 1.9 का 1.14
60% है। अब क्वेश्चन यहां पे तो आया कि 1.14 1.9 का कितना परसेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1.9 का 60% कितना होता है। तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि किसी का अगर परसेंटेज निकालना है या किसी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, तो अगर 1.9 देखो कोई भी चीज 100% होती है, कोई भी चीज 100% होती है, तो 100 अगर किसी का परसेंटेज में वैल्यू पूछी हो, परसेंटेज का मान पूछा हो, तो आपको क्या करना है, उसका 10%, उसका 5% और उसका 1% निकाल लेना है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तब इसको और डिटेल में करेंगे कि ये कहां पे यूज होता है। जो बड़े बड़े सवाल आती है लैंग्वेज जिनकी काफी लेंथी रहती है, उनमें इस अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। ये नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन से हो, चाहे नंबर प्रॉब्लम से हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ से हो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, क्योंकि नंबर का जो नंबर सिस्टम है वही बेस है आपके मैथ का, तो नंबर सिस्टम से सवाल आना ही आना है। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के सवाल नहीं कर रहा, यहाँ पे करा रहा हूं कि नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। एक होता है एज पे प्रॉब्लम, एक होता है नंबर पे, इन दोनों पे काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे आप इक्वेशन बनाने में थोड़ी गड़बड़ कर जाती हैं कि कौन किसका कितने गुना है, कौन किसी कितना कम है। बस ये चीज आपको आ गई तो आप नंबर प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन कर दोगे, इवन आप एज प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन कर दोगे। चलिए कैसे करते हैं ये चीज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अलावा आप ये भी चीज आपको नोटिस करनी है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मतलब सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है कि मैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करता हूं, वो भी क्वेश्चन है क्या रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। चलिए बात करते हैं, किसी संख्या, देखो किसी संख्या के 3/8 भाग, मतलब कोई नंबर है जिसका 3/8, मतलब उस नंबर का 3/8, ठीक है, नंबर पर नहीं पता, चलिए आगे देख लेंगे ना क्या होता है। उस संख्या के 3/8 तथा मतलब उसका भी उसी संख्या का 2/7 भाग का अंतर है 25, तो वह नंबर क्या है। बात हो गई हमारी, काम हो गया कि वो एक किसी संख्या के 3/8 और फिर उसी संख्या के 2/7 और इन दोनों का अंतर दे रहा है वो 25, तो आपको नंबर पता करना है। चलिए अब नंबर मान लिया हमने कि नंबर है x, जैसे ही हमने नंबर x माना तो हमारा क्वेश्चन जाता है कि सीधा आप इसका 3/8 करें पहले और फिर इसी नंबर का 2/7 करो, पर इन दोनों का अंतर होता है 25। ये इक्वेशन बनानी है आपको, जैसे ही आपने ये इक्वेशन बना ली कि किसी संख्या का 3/8, देखो x का 3/8 और फिर x का ही 2/7, देखो का मतलब गुणा, इधर मैंने कहा x का 3/8, यहां पर कर दिया x का 2/7, इन दोनों का अंतर आपको पता है माइनस होता है कितना, बराबर होता है 25। ये इक्वेशन बनानी है, अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गई तो आपका काम, आपका जो क्वेश्चन है कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। बस अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई कर लो। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई x से, तो 3x डिवाइड बाई 8 माइनस 2 का मल्टीप्लाई x से, तो 2x डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 25। ठीक है, अब क्या करना है, अब बात आ गई एलसीएम की,
कैल्शियम कितना आएगा, 8O7 का एल्शियम कितना आता है, 8O7 का एल्शियम आ गया आपका 56। कैसे, देखो सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन लेते हैं, एक साथ कैंसिल करते हैं दोनों को, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आप सिंपल यहां से देखो, 2 से इसको 4, 7, फिर 2 से फिर इस 2 7, फिर 2 से 1 7 और इस 7 वन वन। सिंप्लीफाई अब 2 2 जा 4 2 2 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, तो 56 एल्शियम आ गया। जैसे 56 एल्शियम आ गया, फिर क्या करना होता है, हमें जो नंबर है उसका डिवाइड देती है एल्शियम में, जो डिवाइड होके आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। तो यहाँ पर 8 का डिवाइड दिया, फिर उसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर। तो 8 का डिवाइड दिया 56 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 7 का मल्टीप्लाई, 3x मल्टीप्लाई y 7, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें करना है, इसमें क्या करेंगे, 7 का डिवाइड, फिर जो डिवाइड होके आया उसका मल्टीप्लाई, तो डिवाइड होके क्या आएगा, 8 इक्वल टू 25। बस अब देखो, अब देख यहां पर डिवाइड में दूसरी तरफ किसमें पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहां पर देखो 25 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि यह 56 का या नीचे कोई काम ही नहीं, क्योंकि यहां पे सिर्फ नंबर चाहिए हमें एक्स के फॉर्म में। सिंपलीफाई आप गुणा कर दो, देखो क्या रहेगा, 21 है एक्स, यहां पे क्या रहेगा, कितना आ गया, -16x। कितना, आप यहां पे मल्टीप्लाई मत करना अभी, आप क्यों मैं भी बताऊंगा, आप यहां पे माइनस कर लो, कितना आ गया, कितना आ गया, 5। 25 मल्टीप्लाई वाई 56, एक्स बराबर आ गया 25 मल्टीप्लाई वाई 5। अब 5 से आप कैंसिल कर दो इसको, 1 इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 28। तो जो नंबर हमारा निकल के आया वो नंबर कितना आ गया, 280। 280 संख्या, मतलब 280 का 3/8 और 280 का 2/7 करते हैं तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो आता है 25। बस अब देखो यहां पे, अब बात कर रहा था मैं मल्टीप्लाई यहां पे क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो आप यहाँ 25 का अगर 56 में मल्टीप्लाई कर देते तो ऑलरेडी वैल्यू आपकी बड़ी आ जाती, फिर उस बड़ी जो मल्टीप्लाई होकर बड़ी वैल्यू आती उसमें आपको 5 का डिवाइड देना पड़ता, तब जाके 280 आंसर आता। और देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 का 25 से मल्टीप्लाई करो तो आसान है कि 5 का 15 से करो तो आसान है, जाहिर सी बात है 5 का 15 से आसान है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है कि जितनी भी छोटी वैल्यू हो उसका मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करो सबसे लास्ट में करना, जब बिल्कुल सिंपलीफाई हो जाए उसके बाद डिवाइड बचे ही ना, उसके बाद करना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लगभग तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, बहुत ही मतलब फेवरेट कॉन्सेप्ट थे जो व्यापम पूछता ही पूछता है, क्योंकि शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट पूछेगा। ऐसा नहीं है कि पहली शिफ्ट में जो पहली डेट में कोई एग्जाम हो गया उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है, क्योंकि पेपर काफी स्टूडेंट देके आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि किस कॉन्सेप्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसी कॉन्सेप्ट को हमें लेके नहीं चलना और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है, इसके अलावा आप स्टडी कर रहे हैं फिर भी आपको कहीं किसी कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट करें अपने जो भी डाउट है उन्हें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो भी इसका फायदा ले पाए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।